देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में राजधानी में श्री श्री रविशंकर का मेगा शो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल फिलहाल विवादों के साए से नहीं निकल पा रहा है। लगातार सुनवाई हो रही है। एनजीटी में आज की सुनवाई में कड़ी फटकार लगाई गई है दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को और इसी के साथ डीडीए को। सीधा सवाल पूछा गया है कि पर्यावरण के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों। आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन से पहले विवाद शुरू हो गए हैं। आयोजन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आंखें तरेरी हैं। बाढ़ से प्रभावित यमुना खातर में किसी भी तरह के निर्माण कार्य की इजाजत नहीं। फिर भी इतने बड़े आयोजन को हरी झंडी कैसे मिली, इस पर एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ दिल्ली सरकार और डीडीए को सवालों के घेरे में लिया है। एनजीटी ने आयोजन के चलते होने वाले पर्यावरण के नुकसान को लेकर कड़ी फटकार लगाई। मामले की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने डीडीए से पूछा, निर्माण की अनुमति देने से पहले क्या इसका अध्ययन किया गया था कि इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपने मौके का मुआयना किया? क्या कोई जांच की? आपने वहां वास्तव में क्या देखा? क्या वही देखा जो आप देखना चाहते थे? क्या आपने पर्यावरण पर होने वाले असर का कोई आकलन करवाया? एनजीटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ साथ दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब किया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा, क्या आपने इस मामले में किसी तरह की अनुमति दी है? अगर हाँ तो इसका आधार क्या है? इस पर दिल्ली सरकार ने एनजीटी से कहा कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ बाढ़ से संबंधित क्लियरेंस दिया था, पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी का हक केंद्र के पास है। एनजीटी ने कार पार्किंग को लेकर उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से भी जवाब तलब किया। एनजीटी ने पूछा, यमुना किनारे 15 हेक्टेयर जमीन किस आधार पर कार पार्किंग के लिए दी गई? वहां पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा या आप नहीं कह सकते? अगर कोई जादू होने वाला है तो हमसे बताइए। अब वो कहते हैं हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क बना के जाएंगे। पहला सवाल तो ये कि किसने दी उन्हें परमिशन बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की। नंबर दो, वो कहते हैं हम यहाँ ट्रीज लगा के जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कभी आपने सैंड बैंक्स पे रेतीली जमीन में पेड़ उगते देखे हैं? एनजीटी ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन को लेकर केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को भी सवालों के घेरे में लिया और पूछा, क्या इसका अध्ययन किया गया कि इस आयोजन से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा? क्या यमुना पर पीपा पुल बनाने की इजाजत दी गई? क्या आपने सोचा कि यमुना को नुकसान से कैसे बचाया जाए? जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, डेब्रिस की लगा रहे हैं, हमारे ऊपर इस तरह की लगा रहे हैं कि उन्होंने फ्लड प्लेन्स को बिल्कुल इस तरह से बर्बाद कर दिया कि कभी ये ठीक से पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। ऐसा करने का विचार तो कभी था ही नहीं, और ना विचार में ना कर्म में। तो जहाँ तक हमने जो बात करी है, जो बात हुई है, एक तो हमने बिल्कुल स्पष्ट आज भी बताया कि हमने जो भी करा परमिशन के तहत करा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी परमिशन की सारी चीज़ों को कम्प्लीट करते हुए ये बिल्कुल मैं सामने रखेंगे हम लोग कि हमने वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं करी है, बिल्कुल नहीं करी है, ना आगे ना पीछे करी है, ना आगे कभी करेंगे। एनजीटी में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम पर सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। बुधवार को भी सुनवाई होगी। हालांकि इस पूरे विवाद में श्री श्री रविशंकर की सफाई भी आई है। कह रहे हैं कि वो तो दिल्ली वालों का दिल जीतने आए थे। अभी आया हूँ, देखता हूँ क्या है। मैं तो इतना कहूँगा, हमने कहा दिल से दिल्ली वालों से, थोड़ी सी जगह दो, मैं वहाँ झाड़ू लगाऊंगा, जादू दिखाऊंगा और जन्नत लेके आऊंगा। लोगों ने कहा ये बड़ा जुल्म है, आपको जुल्माने लगेंगे। हमने कहा हम उनके जनून हैं जिनके आप। 11 से 13 मार्च तक चलने वाले विश्व संस्कृति महोत्सव के आयोजन पर बहरहाल सवाल उठ गया है, विवादों की आंच उठी है, देखिए अंजाम क्या होता है। आर्ट ऑफ लिविंग के इस कार्यक्रम को फिलहाल दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस से परमिशन नहीं मिली है। बुधवार को भी एनजीटी में इस मसले पर सुनवाई है और एनजीटी के तेवर बेहद सख्त है। अब ऐसे में इस कार्यक्रम पर सिर्फ विवाद ही नहीं बल्कि संकट भी गहरा रहा है। कैमरामैन प्रशांत राय और अनुषा सोनी के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। विवाद एक के बाद एक जुड़ते चले जा रहे हैं। बीते दिन भी विवाद शुरू हुआ जब खबर आई कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब इस आयोजन में नहीं जा रहे हैं। आज फिर से विवाद ये कि सेना का इस्तेमाल वहां पर पॉन्टून ब्रिज बनाने के लिए आखिर क्यों किया गया, खूब बवाल मच रहा है। देखिए, सेना
यमुना पर पीपे का ये पुल यूं तो श्रद्धालुओं को आर्ट ऑफ लिविंग के आयोजन से जोड़ने के लिए बना था, लेकिन अब ये विवादों का पुल बन गया है। विवादों की वजह आपके सामने है। इस पुल का निर्माण सेना के जवान कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के लिए यमुना पर ऐसे 3 पीपे के पुल बनाए गए हैं। इनमें से एक पुल दिल्ली सरकार के PWD ने बनवाया है, तो 2 पुलों का निर्माण सेना ने करवाया है। वो सब आर्मी बना रही है, आर्मी के तमाम जो गाड़ियां हैं वो उधर खड़े हुए हैं। 120 जवान बताए जा रहे हैं जो आर्मी के आए हुए हैं, और इस पूरे पुल को ताकि जल्दी से जल्दी बना दिया जाए, ऐसे में आर्मी के ये तमाम जवान इस पूरे पुल को बनाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो तमाम इधर आप देख सकते हैं, तमाम दूसरे पुल भी हैं। यूं तो देश पर बड़ी प्राकृतिक आपदा आने, कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा होने पर सेना को लगाया जाता है, लेकिन किसी निजी कार्यक्रम में सेना के इस तरह के इस्तेमाल पर विवाद खड़ा हो गया। सेना के सूत्रों ने बताया कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पुल बनाने के लिए सेना की एक कंपनी लगाई गई है। सेना के काम करने का बिल भी आर्ट ऑफ लिविंग को भेजा जाएगा। विवाद ने तूल पकड़ा तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर खुद सामने आए। दलील दी कि मामला लाखों लोगों की सुरक्षा का था, लिहाजा सेना को लगाना पड़ा। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा, लाखों लोगों की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना से पुल बनाने को कहा गया है। सेना पहले भी लोगों की सुरक्षा के लिए कुंभ मेले और दूसरे मौकों पर ऐसा काम करती रही है। सेना के जवान दिन रात यमुना पर अस्थाई पांटून पुल बनाने में लगे रहे। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने 340 मीटर लंबा एक पुल सिर्फ 2 दिनों में तैयार कर दिया। ये पुल इतना मजबूत है कि इसके ऊपर से कार ही नहीं, ट्रक और बसें भी गुजर सकती हैं। अंकित यादव और मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। 155 देशों के लगभग 35 लाख लोग इस आयोजन में आ रहे हैं। खूब तैयारी चल रही है भव्य समारोह के लिए, भव्य आयोजन, मंच 7 एकड़ जमीन में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री। लेकिन उन मायूसियों का क्या जो किसानों के हाथ लगी है, उनकी और पर्यावरण से जुड़े हुए और उसकी चिंता करने वालों की आस अब सिर्फ NGT पर टिकी है। दिल्ली के यमुना किनारे विश्व संस्कृति महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। भव्य स्टेज बन रहा है, लेकिन इस महोत्सव का साइड इफेक्ट यमुना को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसे लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गंभीर है। ये निर्माण कार्य नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2015 के आदेश का सीधा उल्लंघन है। कहा गया है कि यमुना के खादर में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करवाया जा सकता। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर विश्व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस बात को समारोह के आयोजन की इजाजत तो DDA ने दे दी, लेकिन जब NGT ने DDA से सवाल किए तो DDA ने कहा कि मंजूरी देते वक्त उससे अंदाजा नहीं था कि समारोह इतने बड़े पैमाने पर होगा। NGT ने DDA से कई सवाल पूछे। आर्ट ऑफ लिविंग ने करीब 24 हेक्टेयर की जमीन की मांग की, फिर भी कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा कैसे नहीं लगा? आर्ट ऑफ लिविंग से क्यों नहीं पूछा गया कि इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल होंगे? उधर यमुना किनारे खेती कर रहे किसानों का अपना दर्द है। आरोप है कि पार्किंग के लिए उनके फसल को उजाड़ दिया गया। मुआवजे के नाम पर कुछ लोगों को 4,000 प्रति बीघा की दर से रकम पकड़ा दी गई, जबकि 400 बीघे जमीन पर JCB और बुलडोजर ने सब कुछ रौंद डाला। जो नहीं दे रहे तो उनसे कह रहा, लेना तो लो, हम तो ये कोई नहीं रोकेगा इसे, अन्य ये नहीं माने कि इनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दो। यहाँ पर सर अभी कम से कम 80 से 90 किसानों की जो है जमीनों पर इन्होंने बुलडोजर चला दिया है। इस आयोजन पर विवादों का साया अभी छटा नहीं था कि खबर आ गई कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अंकित यादव के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात नारी शक्ति की। जी हाँ, त्रिशक्ति भारतीय वायुसेना को 3 फाइटर पायलट्स, वुमेन फाइटर पायलट्स, ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अब बस तैयारी है उड़ान भरने की।
जय हिंद जय नारी शक्ति। जी हाँ, अब तक जो ना हुआ वो अब होने जा रहा है। इन तीन दिलेर महिलाओं की पूरी कहानी बताने से पहले इनके हौसले और जज्बे का ये मिशन देखिए। मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत निकल पड़ी हैं फाइटर प्लेन पर सवार होने के लिए। ये चल पड़ी हैं वो उड़ान भरने के लिए जो दुश्मनों को परास्त कर दे। फाइटर प्लेन तैयार है और देश की पहली महिला फाइटर पायलट भी। हाथों में दस्ताने, सिर पर हेलमेट, बेल्ट भी पूरी तरह से कस चुकी है। सारा सिस्टम अब पूरी तरह से समझ में आ चुका है, कैसे उड़ान भरनी है और हवा में उड़ते उड़ते दुश्मनों पर वार करना है। वार भी ऐसा कि खाली न जाए। लेकिन उड़ान भरने से पहले यह भी जांचना और परखना जरूरी है कि फाइटर प्लेन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। फिर ये पहली महिला फाइटर प्लेन को चारों तरफ से चेक करती हैं। सब कुछ ओके है। लेकिन इस जंगी जहाज की असली उड़ान में अभी 18 जून का वक्त है। तो सुनिए, भारतीय वायुसेना में पहली बार तीन महिला फाइटर पायलट का चयन किया गया है। वायुसेना में ये तीनों महिला फाइटर 18 जून से शामिल हो जाएंगी। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और पासिंग आउट परेड 18 जून को होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने ऐलान किया कि भारतीय वायुसेना में 18 जून को महिला फाइटर पायलट का पहला बैच शामिल होगा। हम आपको बता दें कि साल 1991 में महिलाओं को पायलटों के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन ये सिर्फ परिवहन विमानों के लिए ही किया गया था। लेकिन इस बार महिलाओं को फाइटर पायलटों के रूप में शामिल किया जा रहा है। ये तीनों महिला फाइटर अपनी ट्रेनिंग के दूसरे चरण में हैं और जैसे ही 18 जून को ये ट्रेनिंग पूरी होगी, पुरुषों की तरफ फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को पिछले साल अक्टूबर में ही हरी झंडी दे दी थी। आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हौसले की कहानी है। पहले से पायलट्स तो रही हैं भारतीय वायुसेना में, विमेन पायलट, लेकिन विमेन फाइटर पायलट, अंदाजा लगाइए 18 जून को पासिंग आउट परेड है, उसके बाद उड़ान की तैयारी। मोना, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, तैयारी आप पूरी तरीके से कर रही हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली चीज़ ये कि इस जगह तक पहुंचना एक मुश्किल मुकाम था, बट मेहनत गंगला यान फाइनली वी आर हियर। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, सो मेहनत करते रहेंगे, जब मिल जाए तो। अब आप ऑफ कोर्स कुछ महीनों में आप फाइटर प्लेन उड़ाएंगी, आप पूरे देश के लिए, खासकर महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनी हैं। आपको लगता है कि आप के इस मुकाम को देखकर और भी महिलाएं अब एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी और फाइटर पायलट बनेंगी? एज ऑफ नाउ अभी लेडीज के लिए जो एंट्री है सारी डिफेंस फोर्सेस में, दैट हैज बीन ओपन्ड एंड ऑलरेडी बहुत सारी लेडीज जो हैं दे आर बीइंग इंडक्टेड इनटू डिफेंस फोर्सेस। सो Probably yes, combat group का part होना एक itself is a big achievement. So this thing is really going to motivate many more ladies to and women to join the forces. आप बाकी लोगों को, बाकी लड़कियां, महिलाएं जो देश की हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आज महिला दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? जी बिल्कुल। हम जो लड़कियां होती हैं उनके पास में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है विल पावर, एंड एक बार जब कुछ ठान लिया बस उसे अचीव करना, दैट इज़ द ओनली थिंग। सो मेरा मैसेज यही है, पहली चीज़ एक लक्ष्य को ठान लो कि उसे अचीव करना है एंड जो करना पड़े उसके लिए करो। ये हमेशा से, खासतौर पे एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना एक मर्दों की बात बोली जाती थी, कि कहा जाता था कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। आप ये करने वाली हैं थोड़े दिनों में,
कैसा लग रहा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे सोच में होता है कि सिर्फ लड़के ऐसा कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसे सिर्फ लड़के कर सकते हों। हार्डवर्क, मेहनत कोई भी कर सकता है। पेड़ उड़ाने के लिए कोई मसल पार नहीं चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है, और यू शुड बी स्किल चाहिए होती है और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। आपकी डिसीजन पार अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो कोई भी फाइटर फ्लाइंग कर सकता है। अभी हम लोग को फिलहाल फाइटर ट्रेनिंग विंग में फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद हमें हॉक में भेजा जाएगा बिदर। उसके बाद हमारी वहाँ परफॉर्मेंस कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है कि आगे हमें किस फ्लीट में भेजेंगे। सारे एयरक्राफ्ट अच्छे हैं, कॉम्बैट के लिए हर एक यूज़ होते हैं। दे आर फ्यू मल्टी रोल, कुछ मल्टी रोल नहीं है, लेकिन हर एयरक्राफ्ट अच्छा है और जो भी हम लोग को दिया जाएगा उसे अच्छे से उड़ाएंगे। फाइटर पायलट बनने का कब डिसीजन लिया आपने? मेरा ये बचपन से सपना था कि मैं एक फाइटर पायलट बनूँ, बट हाँ अभी तक मतलब मेरा लक कहो या ये कहो कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वैन अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन। मैसेज यही है कि हमेशा आपने जो भी चाहा है ऑलवेज गो फॉर इट, और कुछ भी हो कभी भी हार मत मानो एंड मेहनत करते रहो एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। नारी शक्ति को सम्मान और गर्व भरा दिन उनके परिवारों के लिए। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना में इन महिला फाइटर पायलट्स को शामिल किया गया है। पहली बार 3 महिला फाइटर पायलट्स का चयन किया गया है। 18 जून को महिला फाइटर पायलट्स की पास आउट परेड होगी, बहुत बड़ा दिन होगा ये उनके लिए। मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कांडी को दूसरे चरण की ट्रेनिंग हो चुकी है। अक्टूबर 2015 में दरअसल 83वें एयरफोर्स डे के दिन इसका ऐलान किया गया था, और ये ऐलान किया गया था कि इन्हें शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान, इसराइल, UAE, अमेरिका और ब्रिटेन में महिला फाइटर पायलट्स पहले से हैं। भारतीय वायुसेना में अभी 1500 महिलाएं शामिल हैं, बहुत सारी विमेन पायलट्स भी हैं, लेकिन फाइटर पायलट्स पहली बार 110 पायलट और 14, जैसा कि हमने आपको बताया है, नेविगेटर्स मौजूद हैं। हरिता कौर देओल भारतीय वायुसेना में अकेले प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट रही हैं। हरिता कौर ने 1994 में 22 साल की उम्र में एवरो HS-748 का एयरक्राफ्ट उड़ाया था। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घरवालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to...